महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं देख रहा हूँ वहाँ पे इतने सारे युवा खड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, इतने सारे दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर आए हुए हैं। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज 5 साल हो गए खट्टर सरकार को, खट्टर सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया? खट्टर सरकार ने व्यापारियों के लिए क्या किया? खट्टर सरकार ने किसानों के लिए क्या किया? 5 साल में भाई साहब खट्टर साहब ने भाई को भाई से लड़ाने के सिवा कुछ नहीं करा। 36 बिरादरियों के भाईचारे के लिए हरियाणा जाना जाता था, आज 36 बिरादरियों का भाईचारा खराब कर दिया खट्टर साहब ने। एक तरफ जहां दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार स्कूल बना रही थी, अस्पताल बना रही थी, 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर रही थी, लोगों को सस्ती बिजली दे रही थी, घर घर में हम लोग पानी पहुंचा रहे थे, या खट्टर साहब दंगे करा रहे थे? अगर आप लोगों को दंगे चाहिए तो जाके खट्टर सरकार को वोट दे देना, और अगर आप लोगों को स्कूल अस्पताल बिजली पानी चाहिए, सड़कें चाहिए, अगर आप लोगों को अपने बच्चों के लिए नौकरी चाहिए, अगर व्यापारियों को व्यापार करने के लिए अच्छी सुविधाएं चाहिए, तो ये जेजेपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन आया है। जैसे दिल्ली सुधारी थी, ऐसे ही आपके साथ मिलकर हरियाणा सुधारेंगे। 12 मई को आने वाले चुनाव में दिग्विजय सिंह जी को भारी बहुमत देके आप लोग उनको अपनी सेवा करने का मौका देना। इस बार चप्पल का बटन दबाना, खूब चप्पल का बटन दबाना, भारी बहुमत से दिग्विजय सिंह जी को विजयी बनाना। बहुत बहुत शुक्रिया।